मोदी सरकार ने बदला HRD मिनिस्ट्री का नाम, नई शिक्षा नीति को भी दी मंजूरी। नमस्कार, मैं कविता, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कविता इज हेयर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आपको जानकारी हो गई होगी कि मेरी इस वीडियो का रिसेंट टॉपिक क्या है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी NHERA या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी शिक्षा नीति का निर्माण हो चुका था और जिसकी पर्टिकुलर डेट 1968 थी। ओके, नेक्स्ट। और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, और 1992 में जो शिक्षा नीति थी कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी, वरन जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी का मॉडिफाइड रूप था। 3 दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि नई शिक्षा नीति के बाद हो सकते हैं ये सुधार। मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फर्स्ट वन इज SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। नेक्स्ट वन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd, 2 ईयर BEd और 1 ईयर BEd कोर्सेस चलेंगे। दैट्स मीन कि BEd के अब 3 ऑप्शंस रहेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स वाला इंटीग्रेटेड BEd कहलाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से। 4, टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट वन, 5th, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे, MDM मिड डे मील से भी शिक्षक हटेंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट नंबर 6, स्कूलों में SMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। नंबर 7, शिक्षक नियुक्ति में डेमो ऑब्लिक स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। दैट मीन शिक्षक बनने की राह और ज़्यादा मुश्किल होगी। नेक्स्ट नंबर 8, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होगी, प्रमोशन पर ही मिलेगी। नंबर 9, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। वेरी नाइस। नेक्स्ट नंबर 10, RTE को कक्षा 12वीं तक या 18 वर्ष तक की आयु तक लागू किया जाएगा। तो RTI क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट वन, नंबर 11, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 12, 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, और अकॉर्डिंग टू मी कि ये 3 लैंग्वेज होगी। फर्स्ट वन होगी आपकी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, सेकंड वन इज नेशनल लैंग्वेज, एंड थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज या इफ कॉल्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। वेरी नाइस। नंबर 13, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेस भी स्कूलों में शुरू होंगे। नेक्स्ट वन, नंबर 14, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ्स विषय अनिवार्य होंगे। वेरी नाइस। नंबर 15, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी शिक्षा का माध्यम होगी। बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि हमारी एजुकेशन है मोस्ट प्रोबेबली प्रमोट होगी। नंबर 16, NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। नेक्स्ट 17, स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिमांडेबल स्टेप। नंबर 18, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, दैट्स मीन कि कॉलेज माइग्रेशन जो है इजीली गेन किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लिस्ट, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड और प्रास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा, जो मोस्ट अवेटेड है और जिसके बारे में हम सब बखूबी जानते हैं। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो के प्रति, नई शिक्षा नीति के प्रति और इस बहुप्रतीक्षित घड़ी के प्रति आपके क्या विचार बनते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।